धरती तो वापस परत नाभा ब्लाक के पिंड कोट के नौजवान संदीप सिंह ने 12 साल विदेशों की धरती पर भी काम किया, अमेरिकन कंपनी के काम किया, जिसने पंजाब के पिंड कोट के आके मुड़ ऑरगैनिक खेती का कारोबार शुरू किया, बाहरला विदेशी छड़िया तो पंजाब दे विच मुड़ आया संदीप सिंह, उन्हां नाल भी असीं गल्लबात करांगे। संदीप जी, डेली पोस्ट पंजाबी दे तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। संदीप जी, तुसीं 10 तों 12 साल विदेशां दी धरती ते ड्राइवली कीती आ, बस चलाई आ गोरियां दी, किस तरह फिर तुसीं आके हुण पंजाब दे विच जिहड़ा खेती दा दुबारा कारोबार आ जिहड़ा शुरू कीता? सति श्री अकाल जी वीर जी, पहलां तुहाडा धन्नवाद वीरे आउण लई बहुत बहुत। तो आपां इहनां वीरे, मैं सऊदी अरब की अमेरिकन कंपनी विच सी, ते उस तों पहलां मैं 5 साल ट्राला चलाया, ते उस तों बाद अमेरिकन गोरियां दी कंपनी चले गए, है ना। तो जो गोरियां वल देखते सी उन्हां दी हैल्थ, है ना, उन्हां दा खाना पीना, तो वो अपने नाल नहीं रलदा, जाने कुछ वखरा, है ना, क्योंकि आपां कोई क्वालिटी बारे नहीं सोचते हैं, है ना, वो हर एक चीज़ की क्वालिटी देखते हैं, यानी ज़्यादा चीज़ वो पैसे नालों ज़्यादा अहमियत मेरे हिसाब नाल सेहत नूं दिंदे आ, क्योंकि जो कि जरूरी आ, है ना। तो उस चीज़ तो बाद भी उन्हां नाल साडी मैस भी सांझी सी, है ना, तो उन्हां नाल असीं खाना पीना खाना देखना उन्हां नूं, तो हमेशा उन्होंने क्वालिटी देखनी, है ना। तो उस तों बाद असीं जिम जुम लाउंदे सी उन्हां नाल, तो जदों आपणियां इत्थे बीमारियां हुण किन्नियां वधियां सानूं पता पंजाब दे विच, उही चीज़ां बारे यार पता लग्गिया भी ये सारी बीमारी साढ़े फूड तो पैदा हुंदी आ। तो फिर उस तों बाद भी हौली हौली अपना माइंड चेंज होया, आपां सोचा भी तो फादर साहब की पहलां उरे खेती आ, कणक झोना करदे आ, तो मैं सोचा भी आपां अपनी जमीन नूं चेंज करके ऑरगैनिक वल लैके जावांगे, तो सब्जियां पैदा करके अपने आले दुआले पिंडां नूं देवांगे। बिल्कुल संदीप जी, बहुत वधिया तुहाडा जिहड़ा उपराला। संदीप जी, गल कीती जावे किन्नी क जमीन आ जिहड़ी तुहाडे कोल? जमीन आपणे कोल 5 एकड़ जमीन आ। 5 एकड़? हाँ जी सर। हुण 5 एकड़ दे विच तुसीं उत्थों सऊदी अरब तों आ के की ऑरगैनिक फसलां दे नाल तैयार कर रहे हो? हाँ जी वीरे, मेरे कोल वीरे 2.5 एकड़ तां कमाद आ, जिहदे विच कि आपां इंटरक्रॉपिंग कीती सी, बैडां दे गन्ना लाया सी, ते 5 फुट दी गन्ने दी दूरी सी आपस दे विच लैन तों लैन, जिहड़ा 5 फुट दा बैड सी उहदे विच आपां ने टिंडो लाई सी, ते करेला लाया सी, ते खीरा लाया सी, ते आपणे भिंडियां लाईआं सी जो कि फिलहाल हुण खत्म हो चुकियां ने, ते उहनां ने बहुत वधिया आपां नूं प्रोडक्ट, ते आपणा जिहड़ा उह आपां नूं इनकम उहतों लै चुके आगे, ते गन्ना आपणे कोल एफडी खड़ा आपणा, ते इह गन्ना आपां ने किसे मिल नूं सेल नहीं करना वीरे, इह तों बाद कैमिकल फ्री गन्ना है, आपां कुछ गन्ने तों आपां इस बार घट गुड़ बनावांगे, गुड़ सेल करांगे, ते बाकी आपां जिन्ना भी गन्ना बचूगा आपां जो जूस वाली ट्रॉली तैयार कराई आ वह तो वीरे प्योर फ्रैश जूस आपां विदाउट आइस सेल करया करांगे। बिल्कुल संदीप जी, जिवें तुसीं गल कीती कमाद लाया, कमाद तो हुंदे हुंदे तुसीं 4 तों 5 फसलां तां लै लईआं तुसीं, इह तां बहुत वड्डी तकनीक है तुहाडी, आम किसान जो किसे नूं पता नहीं होणा इस गल दा। हाँ जी सर, इहना आपणे बस वीरे कदे यूट्यूब तों देखदे रहिंदे सी, साडे इक फगवाड़ा विधी राहीं वी करदे ने गन्ना, अवतार सिंह जी बिरक, उहनां ने वीडियो बहुत देखियां, उह 8 फुट दी दूरी ते लाउंदे जी गन्ना, ते हुण मेरा जो अगले साल गन्ना लाउण दा विचार उह 8 फुट दी आ, उहदे विच आपां 2 वारी लै सकदे सर। ਆਦਾ ਕਮਾ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜੀ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 12.5 ਵਿਘੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 13 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1000 ਲੀਟਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੂੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ DAP ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ DAP ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣਾ ਇਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀਰੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਮਾਦ ਦਾ ਰਸ ਇੱਕ ਵਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੈਂਪਾ ਕੋਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲਿਮਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰੋਗੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ,
क्योंकि टूरनामेंटा दे आपां देखदे हां जिन्ने भी मुंडे जांदे आ हना थोड़ा वधिया जानी जंग मुंडे जांदे आ ज़्यादातर वो मैं देखिया जो पहला मैं खुद जाता सी टूरनामेंटा दे वो ज़्यादातर लोग फास्ट फूड वाल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे अपने है ना जबकि जेडे जिदा मेले हो गए अपने है ना तो टूरनामेंट वगैरह हो गए उन्होंने जी क्वालिटी बिकती आ तो वो बिल्कुल लो होंगी भीरे तुम उत्थे मैं गन्ने जूस रेहड़ियाँ देखिया ने तो उन्होंने की करना एक एक गन्ने बार बार लाई जाना है ना तो बिल्कुल कोई उन्होंने सफाई का नहीं ध्यान होंगे इस करके मैं गन्ने मेन रखिया भीरे क्योंकि गन्ना एक बहुत वधिया चीज़ आ बहुत वधिया दा जूस आपां फ्रैश जूस हर एक बंदा लाइक करता भी मैं गन्ने का जूस पीवां पर पीता क्यों नहीं है क्या? क्योंकि तुम देखते हो वो सफाई नहीं होंगी जिते भी कितने भी गन्ने का जूस अपने पंजाब बिकता ज़्यादातर रेहड़ियाँ से बिकता मैं एक पूरी टॉप की ट्राली तैयार करी भीरे पूरी स्टीलनैस ट्राली है वो वो जी आप गन्ने के जूस वाली मशीन लाई है वो स्पैशल आप अहमदाबाद तो मंगाई आ वन टाइम क्रसिंग आपने की करना वा एक बार गन्ना पाना वा दोबारा उस गन्ना नहीं पैंदा भीरे तो जिहड़ा आप गन्ने का जूस सेल करना भीरे विदाउट आइस करना जानी आप नहीं है भी बर्फ पा के गन्ना बेचना आप गन्ने पहले ही चिल्ड करना फ्रिज रख के शाम को आप फ्रिज रख दिया करना सवेरे तक उन्हें ठंडा हो जाया करना ठंडा जूस सेल करा करेंगे बिल्कुल ऑरगैनिक गन्ना तो पंजाब मेरा ख्याल होने नहीं कितने संदीप जी मेरा ख्याल नाभे हल्के तो पहले तुम किसान हो जिन्होंने एड्डा उपराला किया नहीं भीर जी करते हैं ऑरगैनिक गन्ना भी बहुत भीर करते हैं हूँ हूँ बहुत ज्यादा नाभे हल्के मेरे हिसाब से फिलहाल है नहीं पहले तुम हो चलो शुक्र है जी मालिक का मेहनत करते हैं भीर आप मेन चीज़ जी है ना साढ़े फादर साहब तो सू मेहनत करने की पहला तो मिले हुआ मेहनत कर रहे हैं भी बिल्कुल संदीप जी हम थोड़ा जी ऑरगैनिक सब्जियां ने जी रोड के उपर लगाइया हुई वह भी असं थोड़ा दिखाने संदीप वालों जो बैड बना के चाहे पालक चाहे धनिया चाहे गोभी आने तस्वीर तो अभी एक बार दिखा दें किस तरह बैडा तो ऑरगैनिक तैयार की जा रही है सब्जियां ने जड़िया बिल्कुल वधिया ढंग दे नाल हो रही ने किसी तरह की कोई बीमारी भी देखने दे नहीं आ रही जिस तरह साग आ इस तो पहले मूली है जिस तरह इन तो पहले सुरे की बीमारी है जी अपनी लपेट के लै लें पर किसी तरह की कोई इन बैडा तो जो तैयार की जा रही है पर कोई बीमारी का सामना भी नहीं दिख रहा इस फसल में संदीप जी ये जो बैड बनाने इन तुम्हें काफ़ी मेहनत आँदी होगी हाँ जी भीरे अपने को है एक बैड प्लांटर आप ट्रैक्टर पहला बैड कढ रहे हैं भीरे जिमें हूँ आप जानी आप भी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम ला रहे हैं भीरे जिमें हूँ क्योंकि आप सेल रही करनी है सब्जी है ना मैं चाहता भी आप मंडी से ना लेके जाइए कोई भी चीज़ हाँ जी तो अपने को जिमें हूँ आप हिसाब ना रहे हैं सब्जी भी थोड़ा थोड़ा अपने खाली साइड रखे भीरे तो अपने को सत्त बैड अपने को गए गाजर के तीन बैड मूलिया के हो गए उस तो बाद दो बैड सलगम के हो गए दो बैड पालक के हो गए जी एक बैड चुकंदर का हो गया जी दो बैड साग के हो गए जी गह एक बैड अपना प्याज हो गया जी बिल्कुल जिस तरह विदेश की धरती से वापस आए हो क्या पंजाब की धरती से नज़ारा कि उत्थे नज़ारा नहीं भीरे नज़ारा तो उरी आउंदा खेतों च नज़ारा खेतों च आ हाँ जी चाहे उत्थे अपने को एसी बसा सी पर जो सवाल कहने जट नू ट्रैक्टर से बह के आउंदा भीरे एसी बस च बह के नहीं आउंदा भिंडी भी दिखाने थोड़ा असं भिंडी भी बहुत वधिया तरीके नाल जिहड़ी संदीप वालों बैड बना के लगाई गई है पर कुछ चन किसान ही होंगे ने जो इस किते दे वल वधदे ने अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं पर जिहड़ा पंजाब का नौजवान वह विदेशों की धरती वल बिल्कुल रुख तो करता जरूर नज़र आ रहा पर जे संदीप सिंह नाम के नौजवान तो सीध लवे तो विदेशों की धरती तो कुछ पंजाब की धरती के विदेशों की धरती में वध कमाई है जी की जा सकती है संदीप जी भिंडी लगाई है हाँ जी सर ये भिंडी है जी अपनी तो ये भी आप ऑरगैनिक तरीके तैयार कर रहे हैं भीरे इस भी कोई आप कैमिकल नहीं पाया बट थोड़ी सूडी की शिकायत आँदी है भीरे तो वो आप बस हूँ की करते हैं कि कंट्रोल नहीं हो रही सूडी ये एक कल मैंने डॉक्टर साहब उरे आके गए ने एक बायो का प्रोडक्ट दसा उन्होंने मैंने तो अपने नाभे मैं वो लैके आऊँगा वो कहने मल्टीप्लाई होकर भी कम करता है तो बाकी हूँ आप जी सूडी वाली होंगी उन्होंने थले सड़ देना तोड़ के फिलहाल बिल्कुल सूडी जिन लग जाती है पत्ता तोड़ दो नीचे घेर दें हाँ आप फल तोड़ दें जी देखो थले सड़ देने सूडी लग गई सूडी पी है हाँ जी सूडी इन सूडी पै चुकी है तोड़ के थले सड़ते हाँ जी ये मैं नोट करे भी सूडी का जब हम एक अपना नवा जो फल चलता है जब सारा एक बार खत्म कर दिए सूडी वाला फल दोबारा वैसे साफ फल चल पैंदा जी साफ फल चल पैंदा बिल्कुल मतलब कोशिश करिए भी ना स्प्रे करिए भी दोबारा भी फल फिर साफ हो जाए भी मौसम के हिसाब से हाँ जी करेले भी लगाए हाँ जी करेले बिल्कुल करेलिया की उत्ते लैके चलता थोड़ा बिल्कुल जी देसी दवाई है खेती के उपर की जाती है जी स्प्रे की जाती है वह भी बिल्कुल संदीप वालों अपने घर के ही ड्रमा के जी तैयार की जा रही है किस तरह तैयार करते हो संदीप भीर जी ये अपना जो आप पहला दसा भी उत्थे आप डीकंपोजर यूज़ करते हैं जो आप जमीन राही दें उसे डी तैयार हुए डीकंपोजर भीरे आप निम अक्त धूरा
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਲਸਣ ਅਤੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਯਾਨੀ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੀਰੇ ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਆ ਵੀਰੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਵੀਰੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਚਾਰ ਦਾਲਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਚਾਰ ਦਾਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਪਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਵੀਰੇ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਆਪਣੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਆ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਘੋਲ ਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀ? ਵੀਰੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆ ਇਹ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਜਾਣੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, 13-14 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੇਸਟ ਬਣਦਾ ਵੀਰੇ ਫਸਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਲਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਵਰਿੰਗ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਫਸਲ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਵੀਰੇ ਫਸਲ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਹੋਵਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਪਰੇਅ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜ ਕਰੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਰੇਲਾ ਕਰੇਲੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸ ਗੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੀ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਤਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਸਟਾਰਟ ਆ ਇਹ ਫਲਵਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਆ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਸਿਆਲੂ ਕਰੇਲੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀਰੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਗਾਹਾਂ ਖੀਰਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੀਰੇ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਭਿੰਡੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰਗੈਨਿਕ, ਕੱਦੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਆ, ਕਰੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਆ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 4-5 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਗਣ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਵੀਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਘਟਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਆ ਵੀਰੇ, ਫਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੱਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ MP 'ਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ, ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆ, ਇਹ 220 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰੰਟ ਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਸੇਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਕ ਸੇਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ।
संदीप सिंह वालों बासा जी बिल्कुल तैयार की गई है, पर पऊगी ये ट्रैक्टर के मगर इस जूस वगैरह दलियो जूस वार आ इहदा नाम जिहड़ा रखा गया तैयार की तैयार करवाई आ जो कि टूरनामेंटा या शहरों के जी जाऊगी ये जूस तैयार किया जाऊगा जूस तैयार करके गाहकों तक यदि पहुँच आ गाहक इस उपर आके जो जूस वगैरह वो लै सकनगे इतों भी असी सारा सिस्टम है जरा संदीप नाल असी गलबात करके पुछते हैं भी कहो जहाँ सिस्टम है जोड़ा इस बस का किस तरीके तैयार करवाई गई है। संदीप सिंह वालों तैयार करवाई गई है जो कि बाजार के बस आ जी जाऊगी जूस वगैरह लैके जूस सेल कराया जाऊगा वधिया तरीके सारा सिस्टम है जोड़ा इस बस के लगया गया एग्जॉस्ट फैन भी लगया गया पर दूसरे पास दूसर तकनीक भी थोड़ा दिखा रहे हर एक प्लग बिजली सिस्टम है जोड़ा ये सोलर सिस्टम जी बस आ चलाई जाऊगी बिल्कुल संदीप जी बहुत टाइम लगे हुए तैयार करा। हाँ जी भीरे आप फरवरी च लगे तैयार करा तीन महीने से तैयार हुई है जी हाँ मई च मिले जी आप कि खर्चा आ गया संदीप जी इतने साढ़े क 4 लाख रुपया लग गया भीरे हूँ तक हाँ जी ये अपने उरे जूसर लाने ग्राइंडर जो कि आपने स्ट्रॉबेरी शेक चीकू का शेक बनाना शेक मैंगो शेक चॉकलेट शेक वो आप इतने हजे लाने ग्राइंडर तो यह अपने को अपने को जूसर ये गन्ने की जूसर ही मशीन है ओके हाँ जी सर ये वन टाइम क्रसिंग है भीरे इस तरह तुसी कमाद की गल की कमाद 2.5 एकड़ ढाई एकड़ किन्ना टाइम चल जूगा तो 2 महीने खत्म हो जाए फिर अगे तक इस तरह होर नौजवानों भी नाल जोड़ोगे नहीं सर 2.5 एकड़ 2 महीने से नहीं खत्म होता जी 2.5 एकड़ कमाद तकरीबन अपने को 900 से 1000 क्वांटल कमाद हो जाता भीरे अपने को सारा साल चलू भीरे तो बाकी आप कुछ किसानों कह रहे हैं होर भी तुम सू गन्ना उगा के दो है ना भी कैमिकल फ्री गन्ना करिए आप उस तो अगे आप गुड़ शक्कर बनावे रल मिल के सेल करा तो यह गलबात कर रहे भीरे मुंडे नाल। हाँ जी मुंडे जुड़ रहे नाल कि नहीं फिलहाल नहीं भीरे जुड़ रहे क्योंकि उन्होंने पता ही है भीरे अच्छ है ना मुंडिया का रुझान है नहीं कम बल वाला तो कुछ बाहर थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना फिलहाल हजे मुंडे नहीं जुड़ रहे तो आप शुरुआत करिए भीरे तुरना तो एक ही पैदा होंगे पहला है ना तो हौली हौली आ जाएंगे अपने तुरना एक पैदा पर शुरुआत हो जाए फिर तो लैन लग जाती है। संदीप जी जिस तरह तुम बहरों आए हो इतने काम कार शुरू किया कहना चाहते हो जो पंजाब की धरती तो विदेशों की धरती बार रुख कर रहे नौजवान नहीं भीरे कम तो उ बहुत ने जो बंदा करना चाहे है ना जेडे अच्छ कहते बेरोजगारी है ना मैं बेरोजगार वनू मानता जो कम नहीं करना चाहता जोड़ा कम करना चाहता मेरे हिसाब से बंदा बेरोजगार नहीं रह सकता तो जोरे कम किया जाए फिर अपन लोड नहीं बहरे जाने की बहर जाके भी यही कुछ करना यार आप जो हम अच्छे कैनेडा की धरती वाल मुंडे जा रहे हैं 90% मुंडे रेस्टोरेंटा कम करते हैं तुम इतने आपदी बना के कर लो कम उद वह पैसे बन गए ना आपकी सरदारी है जी बिल्कुल बिल्कुल सरदारी आ संदीप सिंह के फादर ने किन्ना क महसूस कर रहे हो तुहाडे बेटे ने वड्डा कदम चुकिया 12 साल बाहर कम किया हूँ किस तरह तुसी देख रहे हो। मैं तो बहुत खुश हाँ जी भी इन्हें आपका वधिया आपके पैरों पर खड़ा होने का कम आप शुरू करे बाकी अपनी टेंशन घट गई क्योंकि बंदा पढ़े लिखे मुंडा है ज़्यादा माँ बाप तो बच्चे विदेशों की धरती से भेज के ज़्यादा खुश हो नहीं जी आप कहने भी फिर बच्चों का फायदा भी क्यों है जी आपूँ इन सुख ना होया इन्हों अपना सुख ना हो जिमें पहला बजुर्गों आप चलते रहे हाँ अपने नाल चलन असल तो गल फिर बनती है हाँ पैसा कि जाना पैसे ने तो इतने रह जाना इतने मिले थी यदा प्यार मुहब्बत है आप मोह माया ता ही बच बनूगी जी आप एक दूजे के नाल जुड़ के चलोंगे तो ही अपना अगर चलना तो बेटे को कहता होना भी संदीप जी इतने ना इतने कम करो बहरे हाँ जी मैं तो इन कही भी हूँ बहरे की करना है तू आके आपका भाई सामभ इनू तो तेरे मैं भी चलूँगा नाल क्यों मैं पहला पुराने बजुर्गों काम किया है एक बार तो होंगी आ माँ बाप में जो कोई पुत वापस आता भी खानी इतने आके कामयाब होगा ज नहीं होगा भी कोई बदनामी ना खट दे किस तरह होंगे माँ बाप के मन च डर हों जो कोई विदेश की धरती तो कोई बच्चा माँ बाप का वापस आता हाँ जी वो तो है ही पर आपू आप पता नहीं भी ऐसा मेहनती परिवार है पहला तो जाने तो पहला भी साढ़े ना कम करवा रहा तो उतों भी हर टाइम यही गल कहना भी आप अपने घर कम करिए फिर थोनू भी की सुख है भी जे मैं इतने बुढ़ा हो जाऊँ तो इतने बुढ़े हो मर जाओगे फिर कोई अपना तो तालमेल हो ही ना क्यों पहला पढ़ाई च रहा फिर बाहर चलिया गया साढ़े लगे तो फिर घट समय ही रहा ना हूँ आप रल मिल के रहा आपके खेत कम करा सारा परिवार
ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਊਗਾ ਜੀ ਕੰਮ ਚਲਾਊਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਹੋਵੇ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਸ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਆਪਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਫਲ ਲਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਨਾ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ